सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अश्वनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। इस सेशन के अंदर हम एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, चाहे वो सीजीएल लेवल का हो चाहे यूपीएससी लेवल का हो, आपको एक एनसीईआरटी की रीडिंग तो लेनी ही होती है। अगर आपके पास समय नहीं है किताबों को पढ़ने का, तो आप इसको एक एज ए ऑडियो आर्टिकल की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने बाकी कामों को निपटाते हुए करते हुए साथ साथ इस वीडियो को सुनकर अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अब तक हम दो क्लासेस ले चुके हैं एनसीईआरटी की 6th क्लास की। हमारे अतीत के पहले दो अध्याय पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो जैसा कि इन बुक्स के अंदर है कि शुरुआत में ही एक क्वेश्चन उठाया जाता है जिसके ब्याह पर पूरे चैप्टर को हम पढ़ते हैं। आज हमारा है अध्याय 3 आरंभिक नगर कक्षा 6 हमारे अतीत की पुस्तक का। यहाँ पे दो भाई हैं, ठीक है ना, ये पुराने भवन का संरक्षण इसके बारे में बात करते हैं क्या है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे बूढ़ा घर कहा करते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आपको भी सोचना पर आपको मतलब आपको भी लगा होगा कि ऐसा क्या है कि पुराने जो खंडहर जिसको बोला गया है, जिसको बच्चे जो है एक भूतिया घर बोल रहे हैं, उसमें ऐसा क्या खास है कि उसको संरक्षण देना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू जो है उसको रिपेयर करना चाहिए, क्यों? इसके पीछे काफ़ी रीज़न है कि आप कितने सारे पुराने जो बिल्डिंग्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनको अगर संरक्षण हम नहीं रख देंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और हम अपनी जो हमारी जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से हम वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये निशानियां हैं हमारे इतिहास की। तो शुरुआत में शुरू करते हैं अपने इतिहास के एक बहुत पुराने समय से, जहाँ पर हम हड़प्पा की कहानी लेकर आए हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, देखिए बुक के अकॉर्डिंग 80 साल पहले की घटना है, लेकिन ये जो घटना है वो 1920 की है, 1920 की। तो जिस टाइम ये बुक जो है टाइप की गई होगी उस टाइम के अकॉर्डिंग 80 साल पहले की कहानी है, लेकिन अब देख लीजिए 1920 की कहानी है, यानी कि 1920 में इसकी जो थी वो खोज हुई थी। तो आज के दौर में आप कंपेयर कर लीजिए कि कितने साल हो गए इस बात को। तो उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है, अब देखें आपको सोचना है खुद कि प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इसका एक छोटा सा हिंट मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ठीक है, आप खुद सोचिए क्या क्या हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है महल, एक तरीके से किला, ठीक है ना, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। आपने कई बार एक नाटक देखा होगा जो राजा महाराजाओं के पुराने, महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि राजा की जो कुर्सी होती है वो ऊँची होती है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, फिर एक कुर्सी होती है, और जो बाकी जो उनकी जनता होती है, उनके जो मंत्रीगण वगैरह होते हैं, वो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है ना। तो इससे कंपेयर करके आप समझ सकते हो कि शहर के
जो जो इलाका है ये, इस इलाके में जो उचला ऊपर वाला जो हिस्सा है जो पश्चिम की तरफ है उसको नगर दुर्ग कहा गया है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, और जो पूरब की तरफ है वो नीचे है और वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है यानी कि ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसको निचला नगर कहते हैं। तो जो ऊपर वाला नगर है वो छोटा होगा लेकिन ऊंचाई पर होगा, और नीचे वाला जो नगर होगा वो नीचे तो होगा लेकिन काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ होगा। आगे कह रहा है कि दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कमरे क्यों बनाए गए थे भाई? अब तालाब में जा रहे हो नहाने के लिए, सीढ़ियाँ बना दी आमने सामने आपको उतरने के लिए, और बाकी की दो जो साइड हैं वहाँ पे बैठने के लिए जो है कुर्सी टाइप का एक पूरा से जो था बना रखा था बैठने के लिए, और तालाब के बाहर कमरे बना रखे थे, उन कमरों में जैसे कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, ठीक है ना, उस प्रकार से। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। देखिए कुएं से पानी निकाला जाएगा, पूरा तालाब भरा जाएगा, और जब पूरे तालाब का प्रयोग ले लिया जाएगा, उसमें जब स्नान कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो पानी होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये माना जाता है कि ये जो तालाब है ये खास मौक़ों पर यूज होता था और जो खास लोग होते थे वही इसका प्रयोग करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, आप मैप के अंदर देख सकते हो। कालीबंगा कहाँ है, ठीक है ना, आपको ये दिखेगा राजस्थान के पास राखीगढ़ी के नीचे। तो क्या कह रहा है कि कालीबंगा और लोथल देखिए आप, लोथल मिलेगा आपको धोलावीरा सुरकोटदा और इसके नीचे मिलेगा लोथल, ठीक है ना। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह किस लिए? कि जो अनाज है या और किसी प्रकार की दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करने के लिए जो आपके बनाए जाते हैं, ठीक है ना, भंडार गृह। आपको ये जो ये फोटो दिख रहा होगा ये है वो स्नान पुल, जिसको स्विमिंग पुल बोल सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में पानी भरा जाएगा, आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी इसके अंदर, तो सामने भी सीढ़ी है और अपनी तरफ इधर देखोगे तो इसके सामने इधर भी सीढ़ियाँ उतरने के लिए हैं। इसके राइट में और लेफ्ट में आप देखो तो बैठने के लिए भी एक सिस्टम बना रखा है, और इससे तालाब से बाहर की तरफ देखोगे आप तो चारों तरफ आपको छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये कपड़े बदलने के लिए बनाए जाते हैं, महान स्नानागार बोलते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं कि भवन, नाले और सड़कें। उस समय के भवन यानी कि मकान, घर, नाले और सड़कें कैसी होती थी? इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी कि हर घर में स्नानघर यानी कि बाथरूम जिसको बोलते हो आप होता था, और हर कभी काफ़ी मतलब काफ़ी घर ऐसे होते थे जिनके अंदर कुएं, खुद के कुएं होते थे उनके, उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती थी, अपने घर में ही कुआं खोद लेते थे, उसी में से पानी का प्रयोग कर लेते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। जैसे आज भी आप देख रहे हो ना जो सीवर दबे होते हैं आपके शहरों में, जो सीवर दबे होते हैं, इस प्रकार से मान के चलिए कि उस टाइम के जो लोग नालियाँ बनाते थे ना वो इस सीवर की तरह बनाते थे, ठीक है, और ऊपर से ढके होते हैं, सड़क सीवर के ऊपर से चलती है सड़क, ठीक है ना, और इस सीधी लाइन में बनते थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जैसे कि आप आज भी देखते हो कि सीवर का एक लेवल बनाया जाता है कि पानी जब उसमें जाए तो उसको जहाँ पर भी जाना है तो उसकी तरफ ढलान बना दी जाए ताकि वो आसानी से फ्लो करके अपने गंतव्य पर पहुँच सके, यानी कि अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि जहाँ पर उसको जाना है, मंजिल पर जहाँ पर भी उस पानी को जाना है बहकर लास्ट में वहाँ तक एक स्लोप बना दिया जाता था। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, वो आज भी जुड़ा रहता है, ठीक है ना, जो घर की नालियाँ होती हैं वो सड़कों की जो मेन नाली होती है उसमें जुड़ जाती है, लेकिन अंडरग्राउंड, मैक्सिमम अंडरग्राउंड होती थी।
ठीक है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए होंगे, ठीक है ना। आज भी आपने देखा होगा कि जब सीवर दबते हैं गलियों के अंदर, तो उस पर बीच बीच में गली में ढक्कन लगा दिया जाता है, सीवर का ढक्कन, कि अगर कल को ये जो सीवर है चौक हो जाए, यानी कि ब्लॉक हो जाए बीच में से, कुछ कचरा जम जाए, तो इन सीवर के ढक्कन उठाकर इनके इनमें से इसकी सफाई कर सकें, इसको है ना क्लियर कर सकें। नाली के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ऐसा नहीं था कि घर एक बार बना दिए और बाद में सोचा बनानी चाहिए, अब शिविर बनने चाहिए या सड़क अब सड़क बननी चाहिए, नहीं, सबको एक साथ ही नक्शा बना दिया जाता था और एक ही बार में प्रॉपर तरीके से पूरी चीज़ को जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करी जाती थी। आज आप देखते होंगे कि एक बार अगर शिविर दाबने आए हैं तो पहले गली बना दी, गली बनाने के बाद ध्यान मतलब उनको पता चला कि अब शिविर दाबने चाहिए तो गली को तोड़ेंगे, फिर शिविर डालेंगे, फिर सीवर डालने के बाद गली दोबारा बना देंगे, फिर पता चलेगा कि पानी की सप्लाई चालू करनी है, फिर दोबारा सड़क तोड़ के पानी की सप्लाई के लिए पाइप दबाएंगे, कभी गैस की पाइप दबाने के लिए सड़क को तोड़ेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, पहले जितनी भी अंडरग्राउंड की चीज़ें हैं सबको पहले उनको दाब दो आप, सीवर, पानी के कनेक्शन और गैस कनेक्शन। आपको अगर कोई लैंडलाइन, अब तो नहीं होती है, पहले लैंडलाइन की वायरिंग जो होती थी वो भी अंडरग्राउंड होती थी, यानी कि जितनी भी चीज़ें अंडरग्राउंड आपको करनी है पहले वो काम आप ख़त्म करें, उसके बाद आप सड़क बनाएं, ताकि एक बार में सारे काम हो जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार वहाँ पे पहले ही सारा नक्शा बना लिया जाता था, एक प्रॉपर रूल बना लिया जाता था कि घर, गली, नाली सब कुछ एक साथ बनेगा। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताओ। पिछला चैप्टर आप जब देखना उसमें घरों का कंस्ट्रक्शन क्या बताया गया है और इस चैप्टर के अंदर घरों का कंस्ट्रक्शन क्या बताया गया है, दोनों को कंपेयर करके देखना। अब है नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे जो मूरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। लिपिक का मतलब होता है जो लिखने वाला होता है, ठीक है। अब वो पत्थर पे खोद के भी लिख सकता है, कागज़ पे भी लिख सकता है, अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते हों। अन्य चीज़ों का मतलब है पत्थरों पे लिखते हों, कागज़ पे लिखते हों, पेड़ के पत्तों पे लिखते हों, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें अब नहीं मिल रही हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वो बच नहीं पाई हैं या लुप्त हो गई हैं। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु भी लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, समझ रहे हो। अब आप एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करने जाओगे तो वहाँ के लोगों से मिलोगे और वहाँ के लोगों से मिलोगे तो उनसे बातें भी करोगे। तो आप जब कभी भी कहीं सफ़र में जाते हो और किसी अनजान इंसान से बात करोगे तो वहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी नॉलेज लेकर आओगे, तो वहाँ अपने घर आके बताओगे मैं वहाँ पे घूमने गया था, वहाँ पे तो ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, इस प्रकार की कहानियाँ लेकर आओगे। तो इस प्रकार की कहानियाँ लेकर आते थे। एक प्रश्न उठता है कि नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए और क्या इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे, यानी कि अपने घर के आसपास भी देख सकते हो आप, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं उनसे पूछिए कि क्या उनके घर में कोई ऐसा बंदा है जो मेहरगढ़ के गांव के आसपास रहता हो, ठीक है ना। ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा घोड़े जैसा, ये कॉइन है, ठीक है ना, उस समय का कॉइन जिसको हम मुद्रा बोलते हैं। इस पे कुछ ऊपर लिपि में लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। और ये राइट साइड में आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है जो जानवर से बने हुए, ये उस टाइम के खिलौने हैं, ठीक है। चलिए, इसमें ना मुहर भी बोलते हैं, जो मुद्रा मैंने बोला है ना, रुपया जो कॉइन बोला, इसको मुहर भी बोलते हैं। क्योंकि कई बार जैसे सामान लेने जा रहे हैं तो जो भी आपने सामान लिया है उस पर मुहर मार देंगे कि हाँ भी ये सामान हमारा है,
चलिए, नगर और नई शिल्प। देखिए लेफ्ट साइड में आपको चकोर डब्बे दिखाई दे रहे होंगे व्हाइट कलर के, ये उस समय के बाट होते थे। आप जब दुकान पे सामान लेने जाते हो, दुकानदार मान लो आपको कोई सामान ले रहे हो, दाल ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, तो वहाँ पे जो बाट रखते हैं ना, वो आजकल लोहे के रखते हैं, जिस पे लिखा होता है 500 ग्राम 1 किलो का, है ना। तो उस टाइम ऐसे चकोर पत्थर रखते थे जिनका अलग अलग एक मान होता था, और उस प्रकार से चीज़ें तोल कर दी जाती थी। चलिए, नगर और नई शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। उधर सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है ना। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है, ठीक है। देखिए ज्वेलरी कैसी है, उस टाइम की बनाई हुई ज्वेलरी फोटो में देखिए आप। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है ना। एक एक्टिविटी है कि अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे, कंपेयर करके देखिए आप, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फोटो देखिए वाला, आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे आप कि ये जो आदमी है इसकी दाढ़ी देखिए आप, इसने सोल ओढ़ा हुआ है, उस सोल का डिजाइन देखिए आप, ठीक है। माथे पे कुछ टीका सा भी लगा हुआ है। किस प्रकार, किस व्यक्ति की फोटो जो है, मतलब जो मूर्ति बनाई है मूर्तिकार ने, तो मूर्तिकार या पेंटर या चित्रकार वही चीज़ बनाएगा जो वो अपने सामने देखता हो, जो उसके फैमिलियर हो। उस टाइम के लोग इस प्रकार का पहनावा प्रयोग कर में लेकर आते होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे बनाई गई है। चलो, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फॉइंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देते हैं, ठीक है ना। यानी कि उस टाइम जो सूत का कपड़ा होता है उससे कुछ ना कुछ बनाते होंगे। तो ये देखिए सोल ओढ़ा हुआ है, तो सोल से पता चल रहा है कि कुछ कपड़ा तो बना नहीं रखा है इसने, ठीक है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, यानी कि ट्रेनिंग लेता है। जैसे पत्थर को तराशने के लिए अलग से ट्रेनिंग ले रहा है, मन के चमकाने के लिए अलग से ट्रेनिंग, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी करना मतलब होता है एक तरीके से उस पर कोई डिजाइन बनाना, ठीक है। आप 28 पेज पर देखिए, ये ऊपर वाला, ये 28 पेज, इस पर कह रहा है कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, ठीक है ना। फेंस की बात हमने करी, तो फेंस देखिए राइट साइड में फोटो दिख रहा है आपको। एक्चुअली है क्या, देखते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन से मनके बनते हैं, चूड़ियाँ बनती हैं, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है ना। चलिए, कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा प्राप्त किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात करने का मतलब होता है कि बाहर से खरीद के घर की तरफ लाना, है ना, बाहर से लेकर आना इधर की तरफ। तो कहना क्या चाह रहा है कि कपास वगैरह तो आपको जहाँ पे वे लोग रहते थे ना, वहीं मिल जाता था, वहीं खेती हो जाती थी, आसपास ही मिल जाता था, लेकिन
तांबा लोहा सोना चांदी और पत्थर, उसको लेने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था, कहीं और से, कहीं बाहर से लेकर आना पड़ता था। चलिए आगे कह रहा है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब आगे देखिए, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जैसे चीज़ें उगाते थे, ठीक है ना। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः यानी कि अक्सर लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, मतलब तालाब वगैरह बनाए जाते होंगे। उस तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता होगा, क्योंकि बारिश कम होती है तो जब भी बारिश होगी तालाब में पानी इकट्ठा हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गायें, भैंस, भेड़ और बकरियाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। आगे देखिए, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था, ठीक है। आप देखोगे ना गुजरात की तरफ तो उधर आप देखना धोलावीरा जगह मिलेगी आपको, कच्छ मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, ठीक है। देखिए धोलावीरा को आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी का स्रोत मिला वहाँ पर, ठीक है ना, तो धोलावीरा, तो मैं तो कैसे याद करता हूँ कि दिल्ली में एक जगह है धोला कुआं, ठीक है, धोला कुआं, तो धोला को कुआं से जोड़ लेता हूँ, कुआं मतलब पानी। तो अगर हम गुजरात की बात करें धोलावीरा, तो धोलावीरे से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे साफ पानी मिलता था, ठीक है, और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊँची ऊँची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदवाया जाता था और पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। देखिए लोथल जो है ये भी गुजरात के नीचे मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। तो ये एक तरीके का बंदरगाह था यहाँ पर लोथल में, ठीक है ना, यहाँ पे जहाज वगैरह जो होते थे वो सामान लेकर आते थे। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में से कई मुहरें और मुद्रांकन का या मुहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। यानी कि आप कोई भी सामान है उस पर गीली मिट्टी लगाइए और ऊपर से मोहर मार दीजिए, उस गीली मिट्टी पर उस मोहर की छाप आ जाएगी और फिर वो गीली मिट्टी जब सूख जाएगी तो वो छाप उस पर बनी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं, ठीक है। मुद्रा देखिए, ये थी मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था।
थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज की मुहर देखिए आप कैसी है, स्टैंप लगाइए, इंक लगाइए और मार दीजिए। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले हम देखेंगे हम कि सभ्यता खत्म कैसे हुई, क्या क्या विचार उठते हैं कि किस प्रकार खत्म हुई होगी। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। देखिए जो लकड़ी यूज़ करते थे ना ये ईंटों को बनाने के लिए, तो ईंट तो भट्टी में पकेगी और भट्टी चलेगी लकड़ी से, तो माना जाता है कि हो सकता है जंगलों की लकड़ियाँ इतनी काट ली गई हों उन ईंटों को बनाने के लिए, शहर को बसाने के लिए, कि अब जंगल ही खत्म हो गए। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाके में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का निर्माण हुआ और इनके बारे में हम अगले जो 5th चैप्टर होगा और 8th चैप्टर होगा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मेरी स्पीड कम ज़्यादा लगे तो आप YouTube की स्पीड में जाकर मेरी स्पीड को, मतलब वीडियो की स्पीड को, मेरी नहीं वीडियो की स्पीड को कम तेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अन्यत्र में क्या है। ये लास्ट है लेकिन हल्का सा पढ़ लेते हैं इसको भी, कि अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है, ठीक है ना। आप देखोगे ना नील नदी के आसपास के कुछ इलाकों को छोड़कर आगे जब आप जाओगे तो रेगिस्तान है। रेगिस्तान बोला जाता है उस जगह को जहाँ पर सूखा रहता हो, मिट्टी मिट्टी हो, पानी का कोई नाम ना हो, पेड़ पौधे ना हो, ठीक है ना। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। पिरामिड आप देख रहे हो फोटो के अंदर। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था, यानी कि जो डेड बॉडी है उसको चारों तरफ से पट्टी से बांध दो तो बॉडी गलती नहीं है, उस पर एक प्रकार का केमिकल लगाया जाता है जिससे उस बॉडी गलती नहीं है, लंबे समय तक रुकती है, तो शवों को ममी कहा जाता है, ममी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। देखिए इनका मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बॉडी के साथ उसकी जो प्रिय चीज़ें हैं, जो उसको पसंद हैं, वो दफना दीजिए। उनको लगता था कि मरने के बाद जब ये दूसरी दुनिया में जाएंगे तो इस दुनिया में, यानी कि अब जीते जी जिन चीज़ों का ये प्रयोग करते हैं, मरने के बाद उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बार पूरी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाए फिर हम सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह सबको एक लेक्चर की तरह अच्छे से समझाएंगे। लेकिन ये एनसीईआरटी कवर करने की जो सीरीज चल रही है तो ऐसे ही एनसीईआरटी कवर होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इसी ऐसी वीडियो आगे मिलती रहेंगी आपको। एनसीईआरटी के बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स को भी कवर करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड बुक पर हम वन बाई वन नहीं जाएंगे, उसको हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, छठी भी जो चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं वही करवाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं करवाएंगे, समय की कमी होती है
सबको पता है कि स्टूडेंट के पास समय की कमी होती है, लेकिन एनसीईआरटी की वन बाई लाइन बाय लाइन जो है रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लाइन बाय लाइन करवा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।